मैंने बोया का BM1 माइक ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइस, मैं हूं सैम और आप देख रहे हैं सैम ब्यूटी चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं ऐसे कुछ खास करने वाला नहीं हूं। आज के वीडियो में बस एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो वो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर वो चीज़ें जो हर यूट्यूबर यूज़ करते हैं। तो गाइस, इसके अंदर क्या है नहीं है मैं आप लोगों को सब वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो बने रहना, वीडियो स्किप मत करना। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग्स लाते रहता हूँ आपसे पहले सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और हाँ गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना चाहते हैं, देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को इसके अंदर क्या क्या दिया है, माइक के अलावा भी कुछ है या नहीं है। चलिए देखते हैं। ये माइक आपको तो पता ही होगा, चलिए इसके यहाँ से काटो, कहाँ से काटो, कहीं से काटते हैं। ये कट चुकी है, पहले सेफ्टी फाइल सब क्लोज कर दो, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। पहला बात, एक बॉक्स निकालते सबको काटते हैं, काटते हैं। ये पर्ची है, इसे मैंने बाई किया था तो उसका वहाँ रेट लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा इसे, इसका दाम कितना लिया था यानी इसका प्राइस कितना लिया था, इसको साइड में रखते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा माइक, यानी कि माइक का बॉक्स। माइक अब इसके अंदर में है, माइक दिखाऊंगा मैं आप लोगों को बाद में। तो ये है बोया का BY M1 माइक, देख लीजिए। इसका डब्बा कुछ ऐसे आता है इस टाइप का, या हैंगर भी है, आप इसे टांग सकते हैं कहीं भी रख के। तो चलिए इस बॉक्स का खोलते हैं, इसके अंदर क्या मिलता है हमें। तो इसे खोलना कहाँ से है, सही से पूछ करना पड़ेगा। हाँ हाँ, सही सही से पूछ करना पड़ेगा। फिर अब इसको ऊपर करना पड़ेगा और अब ये खुल गया है, देखते हैं इसका। मैं तो एक्साइटेड हूँ पूरा, निकालते हैं इसको। तो हमारा माइक बाहर नहीं आ रहा, ये निकल गया हमारा माइक, इसे रखते हैं, देखते हैं अंदर क्या और क्या है। ये क्या है, बॉक्स बॉक्स खाली अंदर में देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं बॉक्स खाली। तो बॉक्स का भी रखते हैं साइड में। और ये क्या था, ये शायद वारंटी कार्ड कुछ ऐसे होगा, पता नहीं, कुछ चाइनीज़ भाषा में कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, पता नहीं, तो मेरा पल्ले नहीं पड़ रहा, इसे साइड में रख देते हैं। और ये है शायद बोया YM1 का ये बुक है, इसे आप लोग देख के आप सेटिंग कर सकते हैं। तो इसे भी पढ़ लेना आप लोग, मैं तो सब साइड में रख देता हूँ। और आप चलते हैं मेन प्रोडक्ट यानी कि बोया BY M1 माइक के पे। तो ये देखिए गाइस, ये है माइक हमारा बोया का BY M1 का माइक, देख लीजिए आप लोग, दिखाते सामने से। फोकस क्यों नहीं ले रहा है, बोलो। ये रहा माइक, माइक क्वालिटी अच्छा ही है, वायर भी शायद बहुत अच्छा खासा दिया गया है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, वायर इतना बड़ा है इसमें, सायर वायर सर 20 मीटर ना, पता नहीं, आप लोग बताऊंगा मैं कितना बड़ा वायर है, बाद में दिखाऊंगा। और चलिए देखते हैं इसके साथ क्या क्या मिला है हमें। पहला बात तो हमें इसके साथ एक बैग मिला है, बैग के अंदर कुछ है शायद, ये क्या कार्ड है और ये क्या है गाइस, ये तो मुझे को समझ नहीं आ रहा। और ये ऐसे कुछ कार्ड मिला है। और बैग में बता दूँ आप लोगों कि ये बैग बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बैग है, क्वालिटी क्यों ना हो, कंपनी का है ना बोया। तो बैग को बैग में भी रख देते हैं। और ये क्या है, छोटा सा प्लास्टिक मिला है, इसके अंदर एक छोटा सा पैकेट है, इसके अंदर पैकेट खोलते हैं। ये है क्लिप, ये क्लिप है गाइस, देखिए क्लिप निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये क्लिप है, ये क्लिप, वो क्लिप जो मैंने इसे आप लोग माइक को अपने शर्ट या टी शर्ट पे होल्ड कर सकते हैं, वो क्लिप है, ये क्लिप है, देख लीजिए। चल देखते हैं क्या क्या मिलते हैं, तो इसे मैं आप लोगों को बाद में सेट करके दिखाऊंगा, साइड में रखते हैं इसको और देखते हैं इस पर क्या और क्या है। ये शायद ये
समझ नहीं आ रहा, ये शायद जो माइक होता है ना माइक, शायद वो माइक में कुछ फिट करने का है। ठीक है देखते हैं, इसको बैठ रखते हैं ना साइड में। और इसमें है, इसमें प्लास्टिक और कुछ नहीं है, ये रहा ये बैटरी। बैटरी का तो पता नहीं बैटरी क्यों दिया गया है, शायद बैटरी यहाँ पे, शायद बैटरी यहाँ पे कहीं लगने वाला है। इसको बैठाओ। और फाइनली ये है फिल्टर माइक का, इसी भी हम लगाएंगे। एक्चुअली हम पूरा दिखाने वाले में, एक्चुअली मैं दिखाने वाला हूँ कि पूरा मैंने प्रोसेस, यानी कि इसका जो माइक कनेक्ट करके कैसा सब सेटअप होगा। तो ये सब सारा सामान अब देखिए यहाँ पर बिखरा हुआ है। और ये माइक का तो वायर मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा ही लंबा है, अच्छा खासा यूज, पूरी यूज़फुल है। और माइक तो देख के लग रहा है कि बहुत ही अच्छा होगा। तो वैसे ये रहा इसका अनबॉक्सिंग, तो सेटअप कर दिखाता आप लोगों को। इसका सेटअप कुछ ऐसे होगा, ये है माइक, ये है पॉपअप। नहीं नहीं पहले इसको लगाने देने, पहले इसको पिन लगाते हैं शायद, देखते खोलो यार। ये पिन है, ये पिन आपका, ये माइक है, माइक में शायद यहाँ लग जाएगा, माइक में यहाँ लग जाएगा पिन इस पे ऐसे। देखिए अब शायद कुछ साउंड सुने होंगे, तो शायद ये पिन कनेक्ट हो गया। अब इस पे लगाया जाएगा ये पॉपअप फिल्टर, फिल्टर कुछ इस तरह लगेगा। लग जा भाई, लग जा, लग जा, लग जा। तो कुछ माइक कुछ माइक इस तरह सेट होगा। ये देखिए माइक सेट हो गया। और ये बैटरी, ये बैटरी क्यों था इसका, देखते हैं इसको शायद की जगह हुआ कहीं, तो शायद ये, हाँ ये खुलता है यहाँ से, ये ओपन होता है यहाँ से। ओ भाई, तो देखिए गाइस बैटरी यहाँ पे लगती है, ये देखिए इसलिए बैटरी दिया गया है। और इस माइक को गाइस आप लोग फ़ोन से, फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आप इसे कैमरे पे ऑन कर सकते हैं। तो ये ऑफ है, यानी कि स्मार्टफोन में इसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने इधर स्मार्टफोन में कनेक्ट किया हुआ है। और आप चाहते हैं कि इसे मेरे कैमरा यानी डिसलर में यूज़ करने के, तो इसे आप इसे ऊपर कर दीजिएगा, तो ये कैमरा में सेट हो जाएगा। बट गाइस कैमरा में सेट करने के साथ मेरे ख्याल से बैटरी यूज़ करना पड़ेगा, तो बैटरी दिया हुआ है, आप लोग वीडियो यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं अभी इसे अपने मोबाइल में यूज़ करूँगा, तो इसमें बैटरी नहीं इनपुट कर रहा हूँ। तो ये पूरा सेटअप हो गया कंप्लीट, ये माइक का सेटअप था, माइक कनेक्ट कर दिया मैंने। और ये वायर बहुत लंबा वायर है, शायद 20 मीटर ऐसे कुछ होने होगा शायद। तो चलिए इसे रखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। गाइस अभी जो आप लोग ऑडियो सुन रहे हैं वो ऑडियो इस बोया का BY-M1 माइक का ऑडियो है। तो वैसे आप लोगों को कमेंट करने बताना कि इसका मैंने ऑडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है, इसका नॉइस कैसे आ रहा है ऑडियो में। गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस माइक का बिल्ड क्वालिटी और साउंड क्वालिटी, आप लोगों को पता नहीं। आप लोग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और हाँ गाइस एक बात और बताना मुझे कि एक बात और समझ नहीं आया कि ये जो कॉर्ड दिया हुआ है ये कॉर्ड किस काम आता है। अगर आप लोग पता हो कि ये कॉर्ड किस काम में आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और गाइस इसके साथ जो बैग मिला था हम लोग को, ये बैग भी बहुत ही अपने अच्छा क्वालिटी का बैग है। तो इसे आप लोग इस मैंने माइक को जो है, ये माइक तो आप ऐसे डब्बे में रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए इस बैग में इस माइक को ऐसे फोल्ड करके इस बैग में रख सकते हैं आप लोग। ठीक है तो गाइस चलिए आप लोगों को मैंने जो माइक का जो ये था अनबॉक्सिंग वीडियो था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। और आप लोग दिखा दें कि बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है आप लोगों को। तो आप लोग सब देख चुके हैं, सारा प्रोसेस देख चुके हैं। तो चलिए गाइस मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और हाँ गाइस बता दूँ, अगर आप लोग को ये माइक अगर बाय करना है यानी परचेस करना है, तो देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फ्लिपकार्ट का लिंक, वहाँ पर जाइए और आप लोग इस माइक खरीद सकते हैं। और इस माइक का प्राइस मैं आप लोग को बताना भूल गया था, इस माइक का प्राइस मुझे तो ये माइक पड़ा है 705 रुपये में। और अगर एक्चुअली इसका मैंने दाम ऐसा है कि इसका प्राइस ऐसा है कि मैंने घटते बढ़ते रहता है, तो शायद आप लोग को इतना मिलेगा नहीं बोल सकता है, बट मुझे तो ये 705 रुपये मिला है। और हाँ गाइस और एक बात गाइस, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइस, और चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर करना ताकि मैं छोटे ब्लॉग जो लाते रहता हूँ आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए टाटा बाय बाय।